सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप हुआवे का फोन पसंद करते हो या ऑनर का फोन? अगर पसंद करते हो और लेना चाहते हो तो कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो हुआवे को जो भी गूगल उसके सपोर्ट करता है उसके सिक्योरिटी को लेकर, उसको एंड्रॉयड को लेकर, वो बंद करने वाला है। इस वीडियो को आप देख लो, देखने के बाद जान लो क्या है एक्चुअली, क्यों बंद करने वाला है और कौन सा चीज़ हुआवे के ऊपर बैंड हो रहा है और किस लिए बैंड हो रहा है, इसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं हुआवे और ऑनर के फ़ोन जो है उसको क्यों गूगल बैंड कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों, पहले आपको जानना पड़ेगा ये जो हुआवे का फ़ोन या ऑनर का फ़ोन कौन से देश से बिलोंग करता है। ये है एक चाइना कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्टफोन चाइना से ही आता है और यूएस के साथ चाइना का एक कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें बहुत से कंपनी को चाइना ने भी बैंड कर दिया है यूएस कंपनी को। और जैसे KFC को कुछ दिन पहले बैंड कर दिया था, क्योंकि KFC जो है वो है अमेरिकन कंपनी। एप्पल को भी उसने बैंड कर दिया था। ऐसा कुछ चीज़ें जैसे यूट्यूब उधर नहीं चलता है, फेसबुक उधर नहीं चलता है, ऐसा यूएस का बहुत से कंपनी है उसका काम उधर नहीं होता है, व्हाट्सएप भी नहीं चलता है, उसके लिए चाइना का खुद का सॉफ्टवेयर है। मगर जब सॉफ्टवेयर के बात आते हैं तो सबसे बड़ा जो मार्केट लेके बैठा है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो मदर कंपनी वो है गूगल, और गूगल अगर उसको बैंड कर दे, कुछ किसी भी फ़ोन को बैंड कर दे, तो वो कंपनी कई जगह का नहीं रहेगा, क्योंकि एंड्रॉयड, एप्पल, iOS, विंडोज़ ये सभी अमेरिकन कंपनी है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है या ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि हुआवे को कोई भी कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है सपोर्ट नहीं करेगा। एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है बहुत बड़ा रीज़न है, इसको आपको जानना चाहिए क्यों ऐसा किया, क्योंकि इतना कंपनी रहता है, किसी भी कंपनी को बंद नहीं किया, मगर हुआवे या ऑनर को क्यों बंद कर देगा, इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न है। चलिए जान लेते हैं ये रीज़न क्या है। एक्चुअली ये जो रीज़न है ये है पब्लिक सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि हुआवे जो एक बड़े कंपनी है, अभी एप्पल के बाद ही हुआवे आता है, मतलब बहुत बड़े कंपनी है हुआवे, वो क्या करते हैं जो पब्लिक का डेटा है वो एनालिसिस करके खुद के पास रखता है और क्या करते हैं और चाइना सरकार को वो दे देता है। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल करें उसमें एक सिक्योरिटी होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। आप अगर कोई फ़ोन इस्तेमाल करोगे और आपके डेटा जो है वो चाइना के पास चला जाएगा, ये सही नहीं है। और इसी कारण के लिए अमेरिका में पहले तो जो आर्मी में था, आर्मी वालों सबको बोला था हुआवे का फ़ोन इस्तेमाल मत करो। अभी क्या क्या है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ उसके हाथ लग गए है कि हाँ ऐसा करता है हुआवे, तो उसी कारण हुआवे को टोटली बैंड कर दिया अमेरिका के जितना कंपनी है, यानी कि गूगल हो गया, एप्पल OS हो गया, विंडोज़ हो गया, आर्म हो गया, ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी कारण चलते हुआवे बहुत प्रॉब्लम में आ गया है, क्योंकि वो चाइना खुद उसके अगर चिप बनाना हो या हार्डवेयर का कुछ बनाना हो वो बना सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर में अगर आओगे तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो भी है वो अमेरिका बेस्ड है, यानी कि वो US बेस्ड है। जिस भी एप्लीकेशन पे जाओगे वो US बेस्ड है। आपको ध्यान में होगा कि कुछ साल पहले ब्लैकबेरी उसका खुद का एक OS लाया था, मगर वो ज़्यादा चला नहीं। अभी हुआवे भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि कुछ दिन वेट कर लो, कुछ एक साल ये 8 महीना 10 महीने वेट कर लो, हुआवे उसका खुद का OS लाएगा, उसके ऊपर काम करेगा। हुआवे उसका एक नया OS लाया, अच्छे बात है, मगर जो कंपनी अमेरिकन जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको कैसे वो लाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो वो सॉफ्टवेयर भी नहीं आएगा। तो फाइनली जो देखा जाए तो हुआवे बहुत ही दिक्कत में पड़ने वाला है, क्योंकि उसके इसी बिहेवियर से, क्योंकि हुआवे या ऑनर के फ़ोन जो भी इस्तेमाल करते उसके डेटाबेस सब के सब चाइना के पास आ जाते हैं। आप सुने थे कुछ UC ब्राउज़र को लेके भी ऐसी बात हुआ था कि UC ब्राउज़र जो है वो हमारे जो डेटा है, जो मोबाइल में अगर UC ब्राउज़र रखोगे उसके डेटा को वो चाइना में भेज रहा है। ऐसा बहुत से कंपनी के ऊपर नाम आया था, मगर हुआवे का नाम सबसे ज़्यादा आया था, इसी कारण हुआवे का फ़ोन बैंड हो रहा है। फिर भी हुआवे को 90 दिन के टाइम दिया है
उसके टाइम के बाद उसके जो भी फोन आएगा एंड्रॉयड का कोई अपडेट नहीं रहेगा, कोई सिस्टम नहीं रहेगा एंड्रॉयड में, वो नहीं निकल पाएगा। और मगर जो पुराना है वो उस फोन को अपडेट देगा, मगर जो नया होगा जो भी आएगा वो फोन को अपडेट नहीं देगा। ये आप सोचो, जो भी फोन अभी है आप लेने के लिए जा रहे हो, वावे का या ऑनर का फोन लेने के लिए जा रहे हो, 90 डेज चला जाने के बाद अगर उसी फोन को आप इस्तेमाल करने के लिए जाओगे तो क्या होगा? आपको फोन मिलेगा उसमें एंड्रॉयड भी मिलेगा, क्योंकि ये जो पुराना है जैसे ऑनर 9N हो गया, ऑनर प्ले हो गया, वावे Y9 हो गया, ऐसे बहुत से फोन है जिसपे आपको एंड्रॉयड तो मिल जाएगा मगर उसके अपडेट कुछ नहीं मिलेगा। तो जब भी अभी आप कोई भी फ़ोन लो, वावे के फ़ोन छोड़ के बाकी फ़ोन लो, क्योंकि आप बोलोगे हाँ वो तो अमेरिका में हुआ है, हमारे देश में क्या है? हमारे देश में भी है, क्योंकि एंड्रॉयड अगर अपडेट नहीं देगा वो अमेरिका के लिए नहीं, टोटल वर्ल्ड में उसका सपोर्ट नहीं होगा। और ये टोटली US गवर्नमेंट एकदम सब कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देश के सुरक्षा की बात है, देश के हर एक नागरिक के सुरक्षा की बात है। इसी कारण वावे को वो कोई भी सपोर्ट नहीं देगा। तो अगर आप पसंद करते हो वावे का फ़ोन तो कुछ दिन वेट कर लो, कुछ दिन या 4 महीना वेट कर लो, देख लो क्या होता है, उसके बाद लो, नहीं तो अभी वावे का फ़ोन मत लो। क्योंकि अगर आप ये फ़ोन ले लिया और 3-4 महीने के बाद आपको अपडेट मिलना टोटली बंद हो गया, तो आप जो फ़ोन इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करने में सही से नहीं आएगा, बहुत से प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत से बग आ जाएगा, तो आपको क्या होगा उस फ़ोन को 30 डेज या उस फ़ोन को आपको कुछ 90 दिन 100 दिन बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने से अच्छा आप उस फ़ोन से साइड होके दूसरा कुछ भी, बहुत से कंपनी है, बहुत से अच्छे अच्छे फ़ोन है, आप वो ले लो, उसके पहले गूगल के साथ या अमेरिका के साथ उसका जो प्रॉब्लम है वो पहले सेटलमेंट होने दो, उसके बाद आप वावे का या ऑनर का फ़ोन ले सकते हो, नहीं तो मत लो। क्योंकि अगर ले लिया, एक बार प्रॉब्लम शुरू हो गया तो पैसा किसका जाएगा? आपके जाएगा, कंपनी उसके पैसा लेके चला जाएगा, वो जाके दूसरा उसका OS लाएगा, उसके ऊपर काम करेगा, मगर आपके पास जो फ़ोन रहेगा वो बेकार ही पड़ा रहेगा। ऐसे भी आप देख सकते हो बहुत के पास बहुत से फ़ोन है, जब भी कोई अपडेट नहीं आता है, आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन स्लो हो जाता है, वो काम का नहीं रहता है। तो इसी कारण आप अभी वावे का या ऑनर का फ़ोन नहीं लो, उन दो लोगों के कुछ प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, उसके बाद आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको मेरे बात समझ में आ गया है, क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि वावे के फ़ोन लेने के लिए या ऑनर के फ़ोन लेने के लिए। आशा रखते हूँ कि आप मेरे बात को समझ गए क्यों मैं मना कर रहा हूँ वावे या ऑनर के फ़ोन। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।